ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज महाशिवरात्रि है दोस्तों, और भगवान शिव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, समूचे ब्रह्मांड में जो आस्था रखने वाले लोग हैं, जो मनुष्यता में आस्था रखने वाले लोग हैं, भगवान शिव उनकी मनोकामना पूर्ण करे। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बताने वाला हूँ कि आखिर शिवलिंग क्या है, शिवलिंग को क्यों पूजा जाता है, और शिवलिंग के बारे में तथाकथित बुद्धिजीवी जैसे मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट और वामपंथियों के द्वारा तरह तरह की, या दूसरे जो धर्मावलंबी हैं उनके द्वारा तरह तरह की भ्रांतियाँ, या अक्सर ऐसे बातें बोली जाती हैं कि भगवान शिव का जो प्रतीक चिन्ह है यानी कि शिवलिंग, वही पुरुष और स्त्री का निजी अंग है, और उसकी पूजा करना एक अश्लील हरकत है, उस पर दूध चढ़ाना एक अश्लील हरकत है। शिव का जो शिवलिंग है उसको क्यों पूजा जाता है? दोस्तों ऐसी अश्लीलता इन लोगों के मन में है जो हर चीज में अश्लीलता खोजने का प्रयास करते रहते हैं, खासतौर पर हिंदुओं के प्रतीकों के बारे में। इनको हिंदुओं को या सनातन को कोसना वीडियो गेम से भी, जैसे कि पबजी का गेम है, उससे भी ज्यादा, उस गेम्स को खेलने से ज्यादा इनको मजा आता है। शिव, शिव का अर्थ होता है कल्याण, सभी का कल्याण। दुनिया में किसी भी शब्दकोश में, किसी भी डिक्शनरी में इसके लिए कोई समानांतर शब्द नहीं है। हिंदू सभी का कल्याण चाहते हैं, यही कारण है कि वो ओम नमः शिवाय का जप करते हैं जो सभी का कल्याण करता है। मैं उस परमपिता परमात्मा के समक्ष समर्पण करता हूँ, बिना किसी भेदभाव के सभी के कल्याण की प्रार्थना हिंदू धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य विचारधारा में नहीं पाई जाती, किसी अन्य धर्म में नहीं पाई जाती। लिंग क्या? लिंग का अर्थ होता है सिंबल, चिन्ह। जैसे स्त्री लिंग का अर्थ है कोई ऐसी वस्तु जो स्त्री के रूप में कल्पित की जा सके, वह एक वास्तविक महिला भी हो सकती है। जैसे हम धरती को धरती माता कहते हैं, पृथ्वी को हम स्त्री तुल्य समझते हैं, इसी तरह पुल्लिंग होता है, पुरुष के प्रतीक के रूप में माना जाता है, जैसे आदमी है, पहाड़ है, वृक्ष है, शिवलिंग। इसी प्रकार जो शिव के प्रतीक के रूप में माना जा सके उसे शिवलिंग का, तो ब्रह्मांड का प्रतीक है, जो कि मनुष्य के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए का प्रतीक है। यह प्रतीक या चिन्ह क्या हो सकता है? वेदों में अनेक जगह परमपिता परमात्मा को एक ऐसे स्तंभ के रूप में दिखाया गया जो समस्त सात्विक गुणों, शुभ वृत्तियों का आधार है, वही मृत्यु और अमरता, साधारण और महानता के बीच की कड़ी है। यही कारण है कि हिंदू मंदिरों और हिंदू स्थापत्य कला में स्तंभ या खंभे प्रचुर मात्रा में देखे जाते हैं। जो लोग शिवलिंग में पुरुष का जन्मांग देखते हैं, उन्हें हर बेलनाकार वस्तु में शीर्ष नहीं दिखता होगा, जैसे खंभे हैं, बेलन है, सरिया है, अपनी उंगलियों तक में उनको इस तरह की चीजें दिखाई देती होंगी। यह एक मानसिक विकार है जिसका हाई वोल्टेज के बिजली के झटकों से इलाज किया जा सकता है। पहले जो ध्यान लगाने की प्रथा थी, वो ध्यान लगाने की प्रथा एक दीपक के रूप में थी। एक दीपक के पुंज को पर ध्यान लगाया जाता है कि आपका दीपक है, दीपक लो है, उसकी जो रोशनी है उसके ऊपर ध्यान लगाया जाता था। तो अक्सर क्या होता था कि जैसे हवा जब चलती है तो जो दीपक की रोशनी, जो लौ है उसकी, वो दिया जो है, जो बाती है उसकी, वो कभी इधर और कभी इधर जो है इस तरह से हवा में लहराने लगता है। तो कहीं ना कहीं जो ध्यान लगाने वाला जो साधक है उसकी उसकी साधना में जो डिस्टर्बेंस आती थी उसके, उसको हम यहाँ से जोड़ सकते हैं कि जो शिवलिंग है वो एक दीपक है, लिंग उसका एक ज्योतिपुंज है, उसकी एक बाती है, और जो उसमें योनि के रूप में जिसको आप देखते हैं वो योनि नहीं है, एक्चुअल में वो दीपक है, और उसके उस दीपक के ऊपर जो लिंग है वो मनुष्य का लिंग नहीं है, वो एक बाती है, शिवलिंग और कुछ नहीं, ऐसा एक लौकिक स्तंभ है जिस पर हम अग्नि की लौ की तरह ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और हमारी कल्याणकारी भावनाओं को उससे जोड़ सकते हैं। यही कारण है कि शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ज्योति वह है जो आपके अंदर के अंधकार को दूर करके पहला प्रकाश में फैला दे, आत्मज्ञान का वह पद जो अलौकिक दिव्य प्रतिभा की ओर ले जाता है। आदित्य वर्ण तमशः प्रसत्तात् प्रस्तात् प्रकाश से पूर्ण अज्ञान अंधकार तम से हीन, यह पद्धति बहुत उत्कृष्ट परिणाम देती है। यही कारण है कि शिव समस्त योग सिद्धियों के सोर्स हैं। योनि का मतलब होता है घर, मकान, मकान नहीं घर। यही कारण है कि जीवों की विभिन्न प्रजातियों को योनि कहा जाता है। 80,000 योनियों से आपको गुजरकर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। वेदों का एक बुनियादी नियम है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड में घटता है वैसा ही ब्रह्मांड में घटता है। इसलिए यही शिव शक्ति का संबंध दुनिया में प्रत्येक सृजनात्मक
और यहाँ तक कि विनाशकारी घटनाओं का आधार है। जब शिव और शक्ति मिलते हैं तो सृजन होता है और उनके वियोग से ही विनाश होता है। यही शिव और शक्ति मित्र और वरुण, अग्नि और सोम, उष्ण और शीत, धूलोक और पृथ्वी के रूप में परिणत होकर सृजन और प्रलय करते हैं। यही जीवन के सभी पहलुओं में लागू होता है। विभिन्न परिप्रेक्ष्य में इसकी व्याख्याओं को दिखाने के लिए ही लोगों ने सिद्धांत के आधार पर प्रतीकात्मक कहानियां बनाई। हम संसार में देखते हैं कि शक्ति स्त्री रूपी है, नारी स्थिरता और पोषण प्रदान करने वाली। तुमने अपनी मां से ही गर्भ में और बाहर भी पोषण पाया। क्या कभी किसी हिंदू ने किसी धर्म का इस तरह अपमान किया है? क्या उसने कभी कहा कि जो मेरे शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाता मुझे उससे नफरत है? एक बार आमिर खान ने एक बात कही थी कि शिवलिंग के ऊपर लोग दूध चढ़ाकर दूध को बर्बाद करते हैं। जो लोग इसके बारे में सबसे अधिक बात करते हैं वो लोग पेप्सी पीते हैं, फैशन में पैसा उड़ाते हैं, नाइट पार्टीज में टली रहते हैं, अयासियां करते हैं। गीता का कर्मयोग अध्याय देखें, देवता हमें देते हैं और हम पुनः उन्हें ही अर्पित कर देते हैं। शिव शक्ति में आशीर्वाद और स्थिरता देते हैं और तेरा तुझको अर्पण की भावना से हम उन्हें उनका ही दिया वापस कर देते हैं और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। शिव उपासना मन को पूरी तरह से भक्तिमय कर देती है, व्यक्तित्व के निष्क्रिय पहलुओं को सक्रिय करती है, रगों में उत्साह उमंग का संचार करती है और सुनिश्चित करती है कि आप सही रास्ते पर हैं। शिव को रुद्र रूप में देखा गया है। अगर आप शिव को धोखा देने की कोशिश करोगे तो या आप पर क्रोध के रूप में वापस आ जाए। वो भोले हैं तो भयंकर भी हैं। शिव सहस्र धाराओं द्वारा हमारे जीवन में प्रसन्नता बढ़ते हैं, हम इसे वापस अर्पित करते हैं, चक्र बना देता है। आप अपने पैसे, ऊर्जा, संसाधनों का यासी में बर्बाद करते हो, हम उसे अपने आप को पशुदा से मुक्ति और महादेव को धन्यवाद करने में उपयोग करते हैं। धर्म के बिना मनुष्य पशु है और क्योंकि हम अपने मन को शुद्ध रखते हैं हम और अधिक संसाधनों का सृजन करने और जरूरतमंदों को खिलाने में भी सक्षम होते हैं। गोमांस खाने वाले, शराब सिगरेट पीने वाले, दिखावटी ब्रांड पहनने वाले या मजे मारने और स्टेटस सिंबल के लिए हजारों तरीकों से पैसा बहाने वाले, जो लोग शिवलिंग पर दूध अर्पित करने को पैसे की बर्बादी कहते हैं, वो इसकी महत्ता को कभी नहीं जान सकते क्योंकि उनका मेंटल लेवल इस लेवल का नहीं है कि वो इस चीज को समझ सके। आइए शिवरात्रि मनाते हैं, नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव को दूध अर्पित करते हैं, गौशालाओं में दान देते हैं। ओम नमः शिवाय का अभिवादन की तरह प्रयोग करते हैं, जिससे कि आजकल जब से भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण की जो ईंट रखी है माननीय मोदी जी ने, उसके बाद से पहले भी श्री राम का उद्घोष सामान्यतः बोलचाल में किया जाता था, लेकिन अब और जो है सामूहिक रूप से किया जाने लगा। इसी प्रकार हमें ओम नमः शिवाय का भी उच्चारण आम बोलचाल की भाषा में करते रहना चाहिए और भगवान शिव और मां शक्ति के खिलाफ जो लोग इस तरह के दुष्ट क्रियाकलाप करते हैं उनके खिलाफ उसी तरह से हमें उनका विरोध के लिए आगे आना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।